वेरी गुड देखने वाले ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट यहाँ पे करने जा रही हूँ। यहाँ पे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने अपना वीकेंड जो है वो कैसे सेलिब्रेट किया। और वीकेंड सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, बाहर जाके करते हैं, लेकिन हमारा वीकेंड एक ऐसा होता है कि हमने घर में बनाना होता है, बाकी डेज जो है हमारे बाहर से चल रहे होते हैं। कुछ सर्दी है और किचन में जाते हुए जो औरतों को एक खास टेंशन होती है कि अब हमें किचन में काम करना पड़ेगा, वो सीन नहीं है। सर्दी भी है और गैस भी अभी फिलहाल आ रही है, तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि कब तक जो है वो गैस आती है। मैंने आज बनाया है क्रीम फ्रूट ट्राइफल और साथ में चिकन कॉर्न सूप और साथ में जो है पास्ता, चिकन वेजिटेबल पास्ता। ट्राइफल की जो रेसिपी है वो मैंने पहले वीडियो में बताई हुई है, कोशिश करती हूँ कि उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी सूप के साथ। ऑब्वियसली सभी लोग सूप के साथ स्टार्ट करते हैं। सूप का ये फ़ायदा, आपको आप जितना ज़्यादा पियेंगे आपको उतनी ज़्यादा भूख लगेगी और आप उतना अच्छे से खाना खा सकेंगे। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि सूप में सारा कुछ मैंने जो है वो ऐड कर दिया हुआ है, जितना कि आम रूटीन में होना चाहिए, लेकिन जिसने थोड़ा एक्स्ट्रा डालना होता है वो, यानी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डालूँगी। ये है ग्रीन चिलीज, इनको मैंने जो है सिरके में डिप किया हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त इनका फ्लेवर आता है। ये मैं पहले थोड़ी सी ट्राई करके देखूँगी इस कॉर्नर में कि मेरे साथ क्या सीन होता है, ज़्यादा मिर्ची ना हो जाए कहीं। और उसके बाद मैं थोड़ी सी डालूँगी चिली सॉस, और अगर ये ज़्यादा हो गई तो फिर मैं इसको पूरे में मिक्स कर दूँगी। वैसे मैंने थोड़ी डाली है, बिल्कुल सी थोड़ी सी। और ये है सोया सॉस, ये कॉर्नर मैं फ़िलहाल अपने लिए रेडी कर रही हूँ चेक करने के लिए। वैसे ऑल इज़ परफेक्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं ट्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, ये कॉर्न नज़र आ रही है आपको, मैंने ना कॉर्न लेके ना उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया, तो लेकिन ये आपको नज़र आ रही होगी। इट्स रियली 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 टू मच टेस्टी। ये चिकन है, ये बीच में वाइटिश एग। इट्स रियली रियली सो यम्मी, सो सो यम्मी, आई हैव नो वर्ड्स। अब फैमिली खा के बताएगी कि उसको कैसा लगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। विंटर्स का ये पहला सूप रेडी हुआ है, तो फरमाइशी था ये, मेरी बेटी ने बोला कि चिकन कॉर्न सूप पीना है। अब लेट्स सी कि वो कितना पीती है इसको। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत ज़्यादा पी सकेगी इसको, हालांकि मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। परफेक्ट। इसको करूँगी साइड पे। आगे आ गया पास्ता। इसकी रेसिपी आई थिंक चैनल पे नहीं है, लेकिन उसको जो है ऐसे ही बता दूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट नॉट मच इशू। अब ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा जी, इसमें सब्जियां आपने फ्राई करके डालनी है, मटर आपने बॉईल करके डालने हैं, पास्ता एज यूजुअल आपने बॉईल करके ही डालना है, और सारा कुछ आपने मिक्स कर देना है। चिकन को आपने पहले बॉयल करना है, फिर उसके बाद फ्राई कर देना है, और सब कुछ करके और दम पे लगा देना है। इट्स रियली वेरी वेरी इजी। जिनको कुकिंग का शौक है ना, वो इतनी रेसिपी से भी अच्छा। ये चॉपस्टिक्स हैं, ये मुझे खाना नहीं आता अभी इनसे मुझे थोड़ा टाइम लगे शायद खाने में, लेकिन मैं इसको खाने की कोशिश। ओह, आई कैन डू दिस। It's really, really so, so yummy. Really, friends, it's so, so, so yummy, so yummy. ये थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ अभी, मैंने इसको पेट भर के खाना है क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। अब मैं करने जा रही हूँ ट्रैफल को ट्राई, साथ में इसके बगैर आपको किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं आता, खासतौर पर बच्चों को, लेकिन मुझे भी नहीं आता।
अब मैं इधर जो है क्रीम फ्रूट ट्रैफल को ट्राई करने जा रही हूँ, इसका चेक करते हैं अब क्या सीन हुआ है। जैसे वीडियो में मास्टर शेफ नहीं चेक कर रहे होते थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा के, मैं भी उस तरह ट्राई कर रही हूँ, समझे कि मैं चेक ही कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ग्रेप्स भी हैं और ये मैं कोशिश कर रही हूँ, इसमें ये मिक्स फ्रूट्स हैं, ये देखें, कोशिश कर रही हूँ कि नीचे से जो है ना मैं आपको लेयर दिखाऊँ उसकी। ये जो है बिस्किट्स हैं, मैरी बिस्किट हो सकते हैं ये, कोई भी बिस्किट जो मतलब कम मीठा हो जिनमें, इसको आपने जो है ना फ्रूट जो मिक्स फ्रूट होता है उसके पानी में डिप कर देना और सबसे नीचे इसकी लेयर लगानी है और उसके बाद आपने ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगानी है। और रेसिपी मैं आपको कह रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में होगी इसकी, अपनी पसंद के फ्रूट्स डालें। मैंने इसमें डाला है सेब, केला और साथ में अंगूर और मिक्स फ्रूट, और इसमें केला मुझे नज़र आया, ये फ्रेंड्स केला थोड़ा टूट गया है लेकिन मैं इसमें से आपको निकाल के दिखाना ज़रूरी है मुझे। ये देखें केला पता नहीं क्यों मेल टाइप हो गया, ये देखें फ्रेंड्स, आई लव बनानास इन ट्रैफल टू। कुछ लोगों को फल वैसे पसंद होते हैं लेकिन वो ट्रैफल में इतने खुश होकर नहीं खाते। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ। OMG फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा नेमतें हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और कर भी नहीं सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। अल्लाह का लाख और करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी मज़े की चीज़ें बनाई और हमें उनकी रेसिपीज़ बताई कि आप इनको अपनी अकल के साथ इस तरह बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको दे, जो वीडियोस देख रहे होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते अल्लाह पाक उनको भी दे, वो भी बना बना के खाएं। मुझे बहुत खुशी होती है किसी को खाते देख कर, और मुझे बहुत दुख होता है कि जो सड़कों पे लोग होते हैं हम इतना कुछ खा रहे होते हैं लेकिन वो एक जस्ट खाना भी नहीं खा सकते। तो हर एक की लाइफ में एक ऐसा टफ पीरियड भी आता है, तो मेरी लाइफ में भी आया था कभी, तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हूँ, बहुत ज़्यादा फील करती हूँ इन चीज़ों को। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह से प्रे करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो ये सब तमाम चीज़ें सबको खाने के लिए दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके, और मेरे बारे में राय देना ना भूलिएगा। बाय बाय गाइस।